नमस्कार साथियों, साथियों एक सेल्स पर्सन के लिए भूमिका का एक बहुत ही ज़बरदस्त महत्व होता है। जो सेल्स पर्सन भूमिका को समझ नहीं पाता है, कहीं न कहीं वह भूमिका के लिए उसके अंदर जो तड़प नहीं रहती है ना, तो चीज़ें सब कुछ जानते हुए भी वह उस मात्रा में ग्राहक के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है, उसकी प्रस्तुतिकरण थोड़ी अधूरी हो जाती है। यह सेम यही चीज़ होता है, जैसे दाल कितना बढ़िया बनाएं, सब्ज़ी कितना बढ़िया बनाएं, अगर नमक थोड़ा सा भी हल्का हो जाता है तो उसके टेस्ट में इतनी ज़्यादा कमी आ जाती है, और वही थोड़ा सा नमक लेबल का रख देने पर वही टेस्टी हो जाता है। यही चीज़ एक सेल्स पर्सन में भी होनी चाहिए कि जब तक भूमिका हमारी ज़बरदस्त नहीं रहेगी, भूमिका में क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा, आकर्षण नहीं रहेगा, ग्राहक को और भी जानने की लालसा नहीं जगेगी, या यूँ कह लीजिए कि एक रोचकता नहीं आएगी, तब तक ग्राहक हमारी बात को अच्छे से नहीं सुनेगा। और जब तक कोई ग्राहक हमारी बात को अच्छे से सुनने की शुरुआत नहीं करेगा, उसको रोचकता नहीं आएगी, तब तक हम अपने प्लान प्रेजेंटेशन को नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो उतना प्रभावी नहीं हो सकता है जितना होना चाहिए या जितना हमारे माइंड सेटअप में है कि मैं प्लान बता रहा हूँ ग्राहक को अच्छा लगेगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि ग्राहक को अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे भाई ग्राहक को भी कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उसका माइंड सेटअप बना हुआ है। हो सकता है हम बिटिया के लिए शादी का प्लान बताने जा रहे हैं, लेकिन ग्राहक के लिए तो माइंड सेटअप है पेंशन का प्लान। कह नहीं सकते हैं साथियों कि आपकी बातें उसके सर से ऊपर निकल जाएंगी और आप बता के चले आएंगे, प्लान नहीं बिकेगा। प्लान क्यों नहीं बिकेगा, शायद आप इस चीज़ को आभास भी नहीं कर पाएंगे। जो प्रस्तुतिकरण में हमारे जान आ जाती है, जो प्रस्तुतिकरण हमारा आकर्षक हो जाता है, वो भूमिका के वजह से ही होता है। आप पहला चीज़ तो ये समझिए कि आपने बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे, लेकिन पिक्चर की शुरुआत में एक दो मिनट में ऐसा ट्रेलर आता है जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है यार बड़ा धांसू पिक्चर है, या फिर ऐसा ट्रेलर आता है हम दो मिनट में ही आभास कर लेते हैं बकवास है। हमें दो मिनट में ही पता चल जाता है ट्रेलर से ही कि आगे क्या होने वाला है, कुछ अच्छा चीज़ आने वाला है या कुछ टाइम पास करने वाला चीज़ आने वाला है। होता है कि नहीं, ऐसा अक्सर होता है। और मैं आपसे बता देता हूँ कि जिस पिक्चर का ट्रेलर हिट हो जाता है वो पिक्चर हिट हो जाती है, और जिस पिक्चर का ट्रेलर पिट जाता है ना, उस पिक्चर में अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्पीच, अच्छे डायलॉग, अच्छे सीन और अच्छे सॉन्ग होने के बाद भी वो पिक्चर पिटा का पिटा रह जाता है। तो मेरे कहने का आशय है कि पिक्चर की जो ट्रेलर शानदार होती है, आकर्षण होती है, वैसा ही अपने बातों के शुरुआत का, बातों के आरंभ का, आगाज का, या यूँ कह लीजिए कि हमारी मीटिंग का जो प्रारंभ होता है उसकी भूमिका अगर ज़बरदस्त है तो पिक्चर हमारी भी सुपरहिट होगी, ग्राहक को भा जाएगा, और ग्राहक अपने दिल की बात आपके सामने रख पाएगा, और आप भी अपने बेहतर जानकारी का उपयोग करते हुए ग्राहक के सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सीधा सीधा आते हैं, देखते हैं भूमिका होता क्या है। तो मित्रों, अभी तक आपने भूमिका को महसूस किया है, लेकिन भूमिका ये होता है कि जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं या कस्टमर के साथ मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात के दौरान हमारी बातों की जो स्टार्टिंग होती है, जो हमारे बातों का शुरुआती दौर होता है, जहां से हम बातों का शुरुआत करते हैं, या आरंभ के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो ट्रेलर की भूमिका निभाते हैं, और यही ट्रेलर यही भूमिका है। और इन बातों में जिनके पास एक लज्जतदार बातें होती हैं, लच्छेदार शब्द होते हैं, आकर्षण होता है, या यूँ कह लीजिए कि आपकी बातों में रोचकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो ग्राहक बैठाता है, कहता है चाय पी के जाइए, कहता है कि रुकिए दो मिनट, कहता है अच्छा आप अच्छा हुए आ गए, मैं आपको याद ही कर रहा था। लेकिन सारा खेल भूमिका का है साथियों। मीटिंग तो तय करने का वीडियो हमने बना दिया है, वीडियो आपको अच्छा भी लगता है और ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ कि आप इसे लाइक भी करेंगे, अपने साथियों में शेयर भी करेंगे, और
सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, और गलती से अगर नहीं किए होंगे साथियों तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आगे आने वाले इतने शानदार शानदार वीडियो मैं देने वाला हूँ कि आप खुश हो जाएंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं भूमिका में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। पहला चीज़ कि जब भी ग्राहक के सामने बैठें, ग्राहक से हालचाल के तौर पर उसके उसका हालचाल, उसके परिवार का हालचाल, उसके बच्चों का हालचाल पूछ सकते हैं, दैट इज़ कॉमन। बट उसके व्यवसाय का हालचाल अगर पूछेंगे तो 100 में 99 लोग यही कहते हैं बस चल रहा है किसी तरह से, 100 में 90 लोग कहते हैं बस खींच खाच के चल रहा है, 100 में 80 लोग कहते हैं बस जी रहे हैं, 100 में 70 लोग कहते हैं कि बस गाड़ी किसी तरह से चला रहे हैं, 50% लोग कहते हैं साथियों कि बस किसी तरीके से जी रहे हैं। तो एक सेल्स पर्सन को किसी के व्यवसाय का हालचाल कभी नहीं पूछना चाहिए, बातों बातों में निकल जाए एक आध दो शब्द वो अलग बात है, लेकिन उसको कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के आदमी की लालसा इतनी बढ़ गई है साथियों ना, कि वह लाखों रुपए महीने भी कमाता है ना तो भी वो ये नहीं कहता है कि मैं बहुत बढ़िया से कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा बच रहा है, मुझे कोई बता दे कि मैं पैसे को कहाँ निवेश करूँ, मेरा वित्तीय नियोजन थोड़ा सा कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कोई कर दे, कोई नहीं कहता है। ये हमको कुरेदना पड़ता है, हमको नीड क्रिएशन करना पड़ता है, हमको अपनी बातों से उसके नीड एनालिसिस करते हुए, उसको गाइड करते हुए उनकी ज़रूरतों को सामने लाना पड़ता है। सर जी, आपकी बिटिया की शादी के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है, समय निकल जाएगा, वक्त फिसलता जाता है, समय चक्र का नहीं भरोसा, कभी तेज कभी धीमा, समझदार रहते हैं सुरक्षित करके जीवन बीमा। समझाना पड़ता है उसके मन मस्तिष्क में, वो बातें स्थापित करनी पड़ती है, जैसे एक पौधे को बड़ा होने के लिए उसके तना के अगल बगल मिट्टी का थाला बनाना पड़ता है, उसका विकास होने के लिए उसे खाद देना पड़ता है, उसी तरह अपने बातों को अच्छी तरीके से कंटिन्यूटी बनाने के लिए कुछ लच्छेदार, कुछ रोचक, कुछ आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ पॉइंट ऐसे बोलने पड़ते हैं कि ग्राहक कहे हाँ और बताइए इसमें इससे भी बेहतर क्या हो सकता है, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा हुआ कि आप आ गए और इतनी अच्छी जानकारी मुझे मिली। ये सब सारी बातें ग्राहक के मुँह से कब निकलेगी, ग्राहक के विचारों में कब स्थापित होगा, ऐसा तब होगा जब हम भूमिका बनाएंगे। एक अभिकर्ता जब भी किसी ग्राहक के सामने बैठता है तो उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। अब बात हुई ये कि ग्राहक के सामने आप बैठे, बैठने के बाद कुछ अनावश्यक पॉइंट भी उभर के आ जाते हैं, जैसे मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, ओबैसी का ये हाल हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर, इन बातों में समय बहुत ही मामूली लगाएं या न लगाएं तो फार बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आप करने क्या गए हैं और होने क्या लगता है। हम करने गए हैं बीमा बेचने और बात चलता है कि आप तो समाजवादी पार्टी के हैं तो ठीक है चाय पीजिए जाइए, हमको बीमा कराना होगा तो हमारे पार्टी का एजेंट आएगा, आप तो CSK के तरफ से हैं, अभी तो मैं मुंबई इंडियन के तरफ से हूं तो ठीक है आप चाय पीजिए जाइए, मैं CSK वाले से बीमा कराऊंगा। गुटबाजी होने लगती है, पार्टी वाली बातें होने लगती हैं, डिफरेंट कैटेगरी में बटने बटाने की बातें होने लगती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल की तरफ से हो, चाहे स्पोर्ट की तरफ से हो, एजुकेशन की तरफ से हो, विचारों का मतभेद हो जाता है साथियों, और विचारों का मतभेद आपको किसी के दिल से जुड़ने नहीं देगा, वह दिल तोड़ने की बात करता है। जब भी किसी के साथ विचारों का मतभेद होगा दिल तोड़ने की बात आएगी, और जिससे दिल टूटेगा उससे दिल जुड़ेगा कैसे।
दिल जोड़ने के लिए हमें उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके बातों के अनुभव के साथ साथ चलना पड़ेगा। जैसा वो सोचता है वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे एक मछुआरा अच्छी तरह से जानता है कि मुझे मछली अगर मारना है, कटिया लगानी है, तो मैं आटा लगाऊंगा तो उसको अच्छा लगेगा। आटा मुझे पसंद नहीं है, सना हुआ आटा जो बिना सेका हुआ हो वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मछली को पसंद है तो मैं वही उसको दूंगा जो उसको पसंद है। मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन मैं गुलाब जामुन को अगर कटिया में लगा के उसके लगाऊंगा तो मछली पकड़ने वाली या पकड़ाने वाली नहीं है, या फिर उसका कोई रिस्पांस नहीं आएगा। रिस्पांस आने के लिए मुझे उसके साथ तालमेल बिठा के चलना होगा। और वो कैसे, जैसे मेरा ग्राहक किसी पार्टी का भक्त है, अनन्य भक्त है, और मैं उसके विरोध में क्यों बात करने जाऊं। मेरा पार्टी क्रिकेट के किसी टीम का सपोर्टर है, वह किसी टीम के किसी खास क्रिकेटर का फैन है, मैं उसके अपोजिट क्यों बात करने जाऊं। या फिर जो बात मेरे मुंह से निकलेगी क्या पता वो अपोजिट ही हो। तो मित्रों, कभी कभी थोड़ा सा सतर्कता न रखने की वजह से, थोड़ी सी इस बात पर अपने माइंड सेटअप को न रखने की वजह से कितना ही बीमा, कितना ही लोग हमसे बिखर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हमारा उनसे तालमेल बैठ नहीं पाता है। और अंततः होता क्या है कि हम जो चाहते हैं चाहकर भी बीमा सेल नहीं कर पाते हैं, या चाहकर भी कोई सेलिंग हमारी स्टॉप हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि हमने भूमिका ही गलत स्टार्ट कर दिया, हमारी भूमिका ही प्रारंभ में ही गलत हो गई। उसको पसंद नहीं है कि कोई उसके परिवार के बारे में टीका टिप्पणी करे, और मैंने स्टार्टिंग ही परिवार के बारे में कर दिया। उसको पसंद नहीं है कि कोई आके मेरे सामने, मेरे दरवाजे पे या मेरे रूम में या मेरे ऑफिस में पार्टी संबंधी कोई बात करे, राजनीतिक कोई बात करे, और मैंने राजनीतिक ही शुरू कर दिया। तो मित्रों, इस बात की डीपली जानकारी लिए बगैर हमें किसी बात को कुरेदना नहीं चाहिए, किसी बात की तरफ से स्टार्टिंग नहीं करना चाहिए। मेरा एक दोस्त अभिकर्ता अपने पार्टी के घर गया, पार्टी अपने गोदी में उठा के एक बच्चे को खिला रहा था, गोदी में लेके, पिंटू पिंटू बड़ा सुंदर बेटा है, पिंटू पिंटू। अभिकर्ता गया, कहा सर बड़ा सुंदर बेटा है, बिल्कुल आप ही के तरफ पड़ा है। तब तक बीबी पर्दे के पीछे से बोली, देखिए देखिए लोग भी कहते हैं, मैं कहती हूँ तो आप बुरा मान जाते हैं। बाद में पार्टी ने बताया, अरे यार पड़ोस का लड़का है, आप भी ऐसे बोल देते हो बीबी में झगड़ा करा दोगे क्या। तो भैया भूमिका ऐसा स्टार्ट करिए कि घर परिवार में झगड़ा ना हो, उसके दिल को हर्ट ना करे, उसके ईगो को हर्ट ना करे। किसी के यहाँ बीमा करने गए, गाड़ी स्टैंड मारे, रूम में घुसे, आप बोल दे अरे यार वो आपका गेट तो पूरा एकदम पेंट करने लायक हो गया है, बड़ा मूर्छा पकड़ लिया है। पार्टी ने बोला ठीक है, तो आप ऐसा करिए अगले महीने आ जाइए, इस महीने पेंट ही करा लेते हैं, तो फिर अगले महीने से बीमा करेंगे। हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बहुत ही सोच विचार के प्रारंभ करने की चीज़ है, शब्दों को चयन करने की चीज़ है, या विचारों को चयन करने की चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन राइट है या रॉन्ग है, जज तो कस्टमर को करना है। तो हम और यहाँ हमारा काम करता है अनुभव। अब कोई नया अभिकर्ता है, उसके पास एक दो महीने का अनुभव है, तो कहीं ना कहीं उसके पास इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। कोई खास दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, अपना पड़ोसी है, तो उसके बारे में पता चलता है कि काली जी का भक्त है, साईं बाबा को मानता है, यह जो है कि ये महाराज जी के यहाँ जाता है, या ये किसी देवी माई को मानता है, तो उसके बारे में हम गलत नहीं बोलते हैं जानते हुए भी। या फिर ये आरएसएस का टीम में जाता है तो उसके बारे में हम उसको अपोजिट नहीं बोलते हैं, या जानते हैं कि भाजपा ही है तो भाजपा के अपोजिट नहीं बोलते हैं। लेकिन जिसके बारे में नहीं जानते हैं साथियों ना, उसके बारे में हमें अनुभव लेना होगा। एक एक कस्टमर को उसके घर में कदम रखते हुए भी हमको देखना पड़ेगा कि उसके घर में क्या चीज़ की तस्वीर है। साईं बाबा की तस्वीर है, भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर है,
यीशु महाराज जी की तस्वीर है या अल्लाह ताला की तस्वीर है, देखना पड़ेगा। हम किसी को कपड़े पहनावा या उसके बैग थैले से नहीं पहचान सकते हैं। हम जब भी पहचानेंगे, जब भी उसके विचारों को देखेंगे, हम अपने अनुभव के आधार से उसको जज करें। जितना बड़ा आपका अनुभव रहेगा उतना ही बड़ा आप उसको डील कर पाएंगे। जितनी बड़ी आपके पास ज्ञान रहेगा, जितना बड़ा आपके पास स्कोप रहेगा, उतना बड़ा आपका फैसला सटीक होगा, सही होगा और आप भूमिका बनाने में सफल हो पाएंगे। दूसरी चीज, हम इतना तो जान गए, लेकिन इसके आगे की बात जो है उस पर भी डिस्कस करते हैं कि ग्राहक को जो पसंद हो अगर उस बात से शुरुआत करें तो मैं भी हमारे लिए और भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब मैं किसी के यहाँ बीमा समझाने गया, उसको पसंद है कि वो म्यूजिक चला के ही किसी चीज़ काम को करता है, उसको म्यूजिक पसंद है और मेरा सर दर्द करता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसको धूप पसंद है, वो धूप में बैठ के बात करना चाहता है और आपको धूप से एलर्जी है, बट बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिकॉज हम सेल करने गए हैं, हम आराम करने नहीं गए हैं, हम सेलिंग करने गए हैं और सेलिंग करने के लिए हमें उसके साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। मैं भी अगर वो कहता है कि नहीं 10 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, तो हमें 10-20 मिनट बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसके आधार से चलते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? उसके मन की बातों को पढ़ें, उसके घर में लगी हुई तस्वीरों को देखें, उसके टेबल पर रखी हुई किताबों को देखें, उसके टेबल पर रखी हुई मूर्तियों को देखें। ये आपको अनुभव दिलाने में आसानी हो जाएगी कि अगला का मानसिकता क्या है। कोई राणा प्रताप की पूजा करता है, कोई शिवाजी को मानता है, वह जिसको मानता है उसके आधार से शुरुआत करें। और शुरुआत करने के साथ साथ बीच बीच में कुछ ऐसे शब्दों को पूछते रहें जिससे लगे, आभास हो कि अगला व्यक्ति बीमा के बारे में इंटरेस्ट इसका बढ़ रहा है कि नहीं। आपके पास एक स्केल होनी चाहिए, उससे आप नाप सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं कि इसका बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ा है कि नहीं। कैसे? पहुँचते ही आप कहते हैं कि जैसे कि सर इस समय LIC ने इतना ज़बरदस्त प्लान ले आया है, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। इस प्लान को देखने के बाद अभी मिश्रा जी ने पसंद किया और 5 लाख रुपए का प्रपोजल साइन किया। अभी कल भी मैंने इस 2-3 लोगों को बताया, वो सबको पसंद आया। और सर इतना ज़बरदस्त प्लान है कि आप भी देखेंगे ना तो शायद क्या 100% आपको भी पसंद आएगा। सर वो अलग बात है कि आपका फाइनेंशियल अथॉरिटी मिले, आपकी फाइनेंशियल स्टेज वो हो कि आप तुरंत का तुरंत मेरे को चेक दे दें या ना हो 10 दिन बाद बुलाएं, वो बाद की बात है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस प्लान को देखने के बाद आपकी भी इच्छा होगी कि मैं भी इस प्लान को ले लूँ। सर मैं अपनी मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ क्योंकि ये मीटिंग बार बार आपसे होगी, लेकिन आज की मीटिंग इतना ज़बरदस्त है ना कि अगर शायद बीच में टोकी टोका ना हो और कंटिन्यूस मीटिंग अगर चले 10 मिनट ही हो लेकिन एकाग्रता के साथ हो तो शायद अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ मैं भी, आप भी अपनी मोबाइल हो सके तो साइलेंट कर दें, या फिर आपकी इच्छा मैं अपनी मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ। और करने के बाद जब बात शुरुआत होती है ना, उसको भरोसा दिलाएं कि सर आपके साथ हमारा जो भी बात होगा वह हमारे तक और आप तक सीमित रहेगा। मैं किसी तीसरे व्यक्ति से या किसी भी अन्य व्यक्ति से आपके बारे में बताई हुई चीज़ें या आपके सीक्रेट जो हैं, आपके बारे में जानकारी जो है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। आप इस बात का भरोसा रखिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल अभिकर्ता हूँ और एक प्रोफेशनल अभिकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह किसी की बात किसी अन्य व्यक्ति से न कहे, और मैं भी नहीं कहूँगा। आप अपने दिल की बात खुल कर बताएं, ओपन हार्ट से, कि आपकी क्या ज़रूरत है, क्या तमन्ना है, उसके अनुरूप हम आपको प्लान बताएंगे। उसके परिवार की स्थिति को देखिए, किसके बच्चे के लिए प्लान हो सकता है, बिटिया के लिए प्लान हो सकता है, उनकी वाइफ के लिए कोई प्लान हो सकता है, पेंशन प्लान हो सकता है, लाइफ टाइम का प्लान हो सकता है या फिर टर्म प्लान हो सकता है।
हेल्थ प्लान हो सकता है, कोई भी प्लान जो भी हो सकता है उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, बशर्ते कब, जब आप नीड एनालिसिस करेंगे, और नीड एनालिसिस तभी करेंगे जब आपके पास अनुभव होगा या आप डाटा तैयार करेंगे। पूरा डेटा लेने के बाद ही आपको निर्णय लेना होता है, और डेटा लेते समय भी आपकी ये भूमिका काम करती है। किसी के साथ बैठते हैं और हालचाल बताइए, सर इस समय इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जीना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन इसी महंगाई में जो व्यक्ति दो चार पैसे बचा ले रहा है वही अपने लिए जगह जमीन बैंक बैलेंस और सोना जेवरात बना रहा है, अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहा है। सर ये सब सारी चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन इन सब सारी चीज़ों को पाने के लिए हमें कुछ बचत करनी होती है। सर मैं क्या जान सकता हूँ कि आपका बचत कहाँ हो रहा है? क्या सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अभी तक आपने कितना बचत के लिए अग्रसर हुए हैं? सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी जो खर्चे हैं कहीं आपके सैलरी से ज़्यादा तो नहीं ना हो जाते हैं? सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी जो 15-20 साल की प्लानिंग है, इवन जब तक आपकी बिटिया शादी करने लायक होगी तब तक आपके बैंक अकाउंट में या सेविंग में 20 लाख रुपये हो सकते हैं और आप धूमधाम से शादी कर सकते हैं? सर एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल सेटअप या फिर आपके जो पैसे बचाने का नियोजन है वो कहाँ तक सफल है और कहाँ तक करना चाहते हैं? गंभीरता से अगर शुरुआत किया जाए, रोचकता से शुरुआत किया जाए तो ग्राहक सुनता है। गंभीरता का मतलब क्या हुआ? सर सुना है कि आजकल लोग दहेज के लिए बिटिया को बहुत प्रताड़ित करते हैं। अपने पास भी बिटिया है सर, आपकी भी बिटिया है सर, क्या हम लोग अगर सही दहेज नहीं देंगे, जितनी मात्रा में लोग मांगेंगे, या सही परिवार नहीं ढूंढेंगे तो हम लोग की बिटिया के साथ ऐसा हो सकता है? बड़ा ज़माना ख़राब आ गया है सर। ज़रूर सर, हम लोग को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए भी कुछ इतना करें कि जब बच्चों की शादी हो तो किसी के सामने हाथ भी ना फैलाना पड़े, और जैसा परिवार पसंद आए, जैसा बर पसंद आए, जैसा घर पसंद आए उसी घर में शादी करें। सर इसके लिए तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए ना? हमें लगता है कि सर आपने कुछ किया होगा, लेकिन वो पर्याप्त है कि नहीं है? सर इसके बारे में सर 5 मिनट आपसे समय चाहूँगा। अगर सर 5 मिनट केवल समय दें सर, और इस ज़माने के अनुरूप हम लोग कुछ ऐसी प्लानिंग करें ताकि आने वाले भविष्य में हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई उंगली ना उठाए, या कोई खेत ना बेच के शादी करना पड़े, या फिर कर्जे चुकाने में अपने जो बनाए हुए संसाधन हैं, जो बनाए हुए संपत्ति है वो नष्ट ना हो जाए, बिक ना जाए। बीमा समझाते समय हमें एक चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, नीड क्रिएशन करने के बाद, भूमिका बनाने के बाद उनको कभी ज़्यादा समय ढील नहीं देना चाहिए। पूछिए सर कल सुबह आ जाऊँ कि कल शाम में आऊँ, अगर उनको ढील दिए सोचने का तो सोचते ही रह जाते हैं। ठीक है बताते हैं, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, आप भी ढीले हो गए, वो भी ढीले हो गए। तो एक कहावत है ना कि वकील सुस्त मोक्किल मस्त, भाई सुस्त रहने से काम नहीं होता है, और ना तो सोचने से काम होता है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सर? सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सर? चलने की जिद जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। अगर मंजिल आपको पाना है तो चलने की जिद जरूरी है, और चलने की जिद आपको जरूरी नहीं है, कस्टमर को जरूरी है। लेकिन कस्टमर तभी चलेगा जब आप उसे आग्रह करेंगे, जब आप उसे उत्साहित करेंगे, जब आप उसे मिलकर उसकी योजनाओं को बार बार याद दिलाएंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप सुस्त नहीं पड़ेंगे। सुस्त पड़ जाएंगे साथियों तो कितने ही मीटिंग को हमने देखा है कि मीटिंग तो बड़ी ज़ोरदार होती है, बाद में पता चलता है व्यक्ति सुस्त हो जाता है, और सुस्त होने के बाद सारा का सारा मामला ठंडा पड़ जाता है। तो मित्रों भूमिका हमें स्टार्टिंग ऐसी करनी चाहिए कि कस्टमर आकर्षण में हो जाए, कस्टमर सक्रिय हो जाए, कस्टमर उत्साहित हो जाए, कस्टमर कहे अच्छा इस प्लान को तो करने लायक है। कब तक है ये प्लान? 7 तारीख तक, ठीक है मैं 6 तारीख को ही ले लूँगा। कस्टमर बोले अच्छा पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, मुझे बाद में पता चला है, अच्छा ऐसा करिए इसका फार्म भरिए कल मैं चेक देता हूँ। इतना ज़बरदस्त प्लान, 7 लाख की कार 3 लाख भरने से आ जाएगी, वो भी 15 साल के बाद, अरे वाह ये तो ज़बरदस्त है यार, इसको कर दीजिए।
भूमिका में बड़ी जान होती है साथियों। हमने बहुत पिक्चरों को देखा है, बाहुबली, धूम टू, ट्रेलर देखने के बाद रिलीज के समय टिकट मिलना मुश्किल हो गया था। बहुत अभिकर्ताओं को भी देखता हूँ, उनके ट्रेलर देखने के बाद लोग कहते हैं बीमा कराओ तो फला से कराओ। ट्रेलर देखने के बाद सामानों की खरीद के लिए लूट मच जाता है। क्या है? क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी जब तक नहीं रहेगा, आकर्षण जब तक नहीं रहेगा, आपकी बातों में रोचकता जब तक नहीं रहेगी, कस्टमर लालायित जब तक नहीं होगा, तब तक आपके प्लान को बिकने में ज़्यादा समय लगता रहेगा। जहाँ क्यूरियोसिटी आ गई, जहाँ रोचकता आ गया, यूँ बताए यूँ बिका, मज़ा आ जाएगा। और ये तब आएगा जब आप उस पे प्रोसेस काफ़ी समय मेहनत करेंगे, रगड़ेंगे। ऐसे ही नहीं राइटिंग सुंदर होती है, यूं ही नहीं लिखावट में चमक आ जाती है, यूं ही नहीं पेंटिंग शानदार हो जाती है। प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, अरसरी आवत जात से सिल पे होत निशान। हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है अगर ठान लीजिए। ट्रेलर दिखा के अपनी लोहा मनवाने का बहुत लोगों ने, बहुत सेल्स पर्सन ने ऐसा काम किया है। हम बहुत सेल्स पर्सन को जानते हैं जिन्होंने बातों बातों में बीमा बेचा है, बातों बातों में सेलिंग किया है। और उतना बनने के लिए अनुभव चाहिए, और वो अनुभव पाने के लिए बार बार फेल होना पड़ेगा, फेल होने से डरना नहीं पड़ेगा। और जो फेल होने से नहीं डरता है वही अनुभवी होता है, वही शानदार करियर का निर्माण करता है, आगाज करता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। ये भूमिका अपने जहन में हमेशा रखें साथियों, कि जब भी बात करें एक भूमिका की शुरुआत की स्टेप, शब्द या शुरुआती लाइन, पंच लाइन या शुरुआती क्या बात करें, इन चीज़ों पर एक बार विचार विमर्श अपने मन से, मन मस्तिष्क से करके तभी बातों का सिलसिला शुरुआत करें। देखिए रिजल्ट बेहतर आएगा, अच्छा आएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।